हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर सर्च के बारे में। तो बेसिकली लीनियर सर्च होता क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज कंपेयर्ड विद अ गिवन आइटम टू बी सर्च फॉर वन बाय वन। इट्स मींस, समझ लीजिए जैसे कि एक हमारी एरे है, टेन, फिफ्टी, थर्टी, 70, 80, 60, 20, 90 और ये 40। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारी एरे है और हमको फाइंड करना है, फाइंड 20। हमको पता है 20 इस पर 6 से, इंडेक्स नंबर 6, ये है हमारे इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 6। तो रूल है, रूल नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी, ये क्या है, हमारी एरे है। एंड वन बाय वन इन कंपेयर करेंगे, ये एक्स हम मान लेंगे, एक्स, एक्स क्या है, 20 है, एक्स क्या है, 20 है। अगर हम मान लेंगे एक्स हमारा 20 है तो वन बाय वन कंपेयर करेंगे, एक्स कंपेयर 20 है, इंडेक्स नंबर से कंपेयर करेंगे, जीरो में क्या है, 10। उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे क्या, इन जो हम सर्च कर रहे हैं आइटम हमारा, वो क्या इसके स्टेप बाय, मतलब नेक्स्ट नंबर में हमारा है कि नहीं है, लीनियर सर्च। तो इससे सर्च करेंगे, फिर इससे सर्च करेंगे, कंपेयर करेंगे, आगे आगे कंपेयर करते जाएंगे इंडेक्स नंबर से, फिर इससे करेंगे 3 से, फिर इंडेक्स नंबर 4 से, फिर इंडेक्स नंबर 5 से, फिर इंडेक्स नंबर 6। 6 क्या है हमारा, 20 है, मतलब हमारा 20। रूल नंबर 2 कहता है, इफ़ एक्स मैच विद द विद एन एलिमेंट, अगर हमारा इंडेक्स नंबर मैच कर जाता है एलिमेंट से, तो हम क्या इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स। रूल नंबर 3, इफ़ एक्स डज नॉट मैच विथ एनी ऑफ एलिमेंट, अगर हमारा जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो किसी इंडेक्स से मैच नहीं होता है, चाहे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इन तीनों में से डज नॉट मैच, देन रिटर्न -1, ठीक है। तो अगर किसी गिवन इंडेक्स से अगर हमारा आइटम, ये आइटम जो हम सर्च कर रहे हैं, अगर नहीं मैच करता है तो रिटर्न 1, रिटर्न क्या कर देंगे, 1 कर देंगे रिटर्न। तो हम एल्गोरिथम के थ्रू समझते हैं इसको, पहले इजी मेथड। सो लीनियर सर्च, ठीक है। ये जो हमारा एरे है ये ले लेंगे, सुनो, एरे ए एंड वैल्यू क्या, आइटम सोच लेंगे, आइटम क्या है हमारा, एक्स क्या है यहाँ हमारा, 20 है, ठीक। ये एक्स हमारा क्या है, 20 है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, सेट i to 1 का मतलब क्या होता है, i क्या हमारा, एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से i, ठीक। एरे क्या है, सेट कर लेंगे 1 से, ठीक। i सेट इज इक्वल टू i to 1,
ठीक है। उसके बाद स्टेप टू क्या करेंगे, इफ जो हमारा एरे है, एरे 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 आई इज ग्रेटर देन एन, मतलब इफ आई ग्रेटर देन एन, मतलब हमारा ये जो सर्च कर रहे हैं एरे वो ग्रेटर देन आई एन है, जो जितने एलिमेंट हैं उससे अगर बड़ा है तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। अभी लिख नहीं रहे हैं कि प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक ठीक। और स्टेप थ्री इफ जो हमारा एरे है, ये एरे है हमारी पूरी, ये एरे है एरे आई, आई क्या होगा ये इंडेक्स नंबर, आई क्या होगा हमारे यहाँ इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, अगर एक्स के इक्वल है, जो एक्स हमारा क्या है यहाँ पर x20 है, अगर एक्स के इक्वल है तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट एक्स फाउंड, ये प्रिंट कर देंगे, इसमें यहाँ लिख दें प्रिंट एलिमेंट फाउंड। और कौन से इंडेक्स पॉइंट, एट इंडेक्स, इंडेक्स क्या हमारा, कौन से इंडेक्स पॉइंट, आई हम बता चुके हैं, आई हमारा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा इंडेक्स है, ठीक, ये फाउंड का इंडेक्स फाउंड। तो स्टेप फोर सेट कर लेंगे i2 i+1, ठीक, इससे हम आगे इंक्रीमेंट करते जाएंगे आगे, ठीक। अब स्टेप फाइव गो टू स्टेप टू, मीन्स हम यहाँ फिर से चेक करेंगे, इफ़ i इज ग्रेटर देन n तो एलिमेंट कोई फाउंड है ही है, जो हम सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक, ये हमारा इजी वे में है। अब स्टेप सिक्स क्या है हमारा, एग्जिस्ट, तो हम प्रोग्राम को एग्जिस्ट कर देंगे, ठीक। एक और इजी वे में समझते हैं, इजी वे, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, स्टेप वन में जो हमारा ये एक लोअर बाउंड क्या, मतलब ये मान लेते हैं इंडेक्स 0 लोअर बाउंड, और ये क्या है अपर बाउंड। लोअर बाउंड को एल से डिनोट करते हैं और अपर बाउंड को यू से डिनोट करते हैं, ठीक। तो सेट कर लेंगे, ये आप इसको हम कंट्रोल कर लें, str कह लें या i कह लें, कुछ भी कर सकते हैं, इसको टू सेट कर देंगे, देखो i कह लें या str कह, जो भी आपको इजी लगे। तो इसको लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड इज 0। और स्टेप टू में बाउंड 0 है, अब हम क्या करेंगे, इसको नाउ सर्च करेंगे, सर्च फॉर द आइटम, ठीक। अब आइटम के लिए सर्च करें, आइटम हमारा क्या है, x इक्वल टू 20, हमारा आइटम क्या है, आइटम x इक्वल टू 20 है, ये हमारा आइटम है, आइटम x इक्वल टू 20 है, ठीक। तो हम ये सर्च करेंगे कि इफ जो हमारी एरे है, एरे आई, हम आई पहले बता चुके हैं, आई हमारी इंडेक्स, आई क्या है इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडेक्स हमारी क्या है, ये एरे की इंडेक्स है, इससे मैच करेंगे, इक्वल टू आइटम मैच करेंगे, आइटम क्या है एक्स इक्वल टू 20 हमारा, एक्स इक्वल टू 20 है। अगर ये जो हमारी एरे इंडेक्स है इसको आइटम का अगर फाउंड हो जा रहा है, ठीक,
तो देन हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ये प्रिंट सर्च सक्सेसफुली, और प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या करेंगे, दो चीज़ प्रिंट करेंगे, एक इंडेक्स नंबर और एक आइटम, इंडेक्स नंबर जिसे हमने आई लिया या आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने एसटीआर या आई दोनों बता दिया था, एसटीआर और इज द लोकेशन, लोकेशन हम इंडेक्स भी देंगे, इज द लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ आइटम, ये इंडेक्स नंबर हम देंगे, इंडेक्स नंबर आपको बता चुके हैं, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और हम इसका आइटम, आइटम कहाँ पे है, हमारा आइटम फाउंड हुआ है, आइटम फाउंड हुआ है 6 पे, 6 इंडेक्स प्लेस पे, वहाँ 20 फाउंड हो गया है, तो यहाँ पे अब इसको ब्रेक लगा देंगे, ये हमने ब्रेसेस बंद किए, और स्टेप थ्री में हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक, आई प्लस हम आगे एक और इंक्रीमेंट करेंगे, 7 मैच कर लेंगे, ठीक। स्टेप फोर में हम लूप को इंड कर देंगे, इंड ऑफ रिपीट, और स्टेप फाइव में ये चेक करेंगे, अगर इफ आई इज ग्रेटर देन एन, एन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एन क्या है, लास्ट है, एन भी बोल लेंगे, और या तो हम बोल लेंगे अपर बाउंड मतलब लास्ट का, ठीक, अपर बाउंड मतलब हायर, अपर बाउंड हमारा 8 है, इंडेक्स नंबर हम देखेंगे 8 है, ठीक। अगर ये ग्रेटर है आई से, ठीक, अगर ये ग्रेटर है आई से, तो आई क्या है हमारा, आई को हम यहाँ आई कह लीजिए, एस टी आर हमारा क्या है, एस टी आर या आई क्या है, लोअर बाउंड। अगर ग्रेटर है तो प्रिंट कर लेंगे सर्च अनसक्सेसफुल, और स्टेप सिक्स में इसको इंड कर लेंगे, मुझे स्टेप सिक्स में इसको हम एंड कर लेंगे। तो अब हम प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम हम पूरा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ मेन फंक्शन, मेन पार्ट देखेंगे, मेन मेथड ऑफ लीनियर सर्च। चलो हम ये सर्च करते हैं, ठीक, इंट एल मतलब एल लीनियर सर्च, ये हम यहाँ इंट एरे, और इंट साइज कितना साइज है एरे का, इंट आइटम क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक, इसको ये चेक करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, इंडेक्स हमारा 0 से, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, 0 क्या हमारे 10 है, तो हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन साइज, जो आई है वो लेस देन साइज होना चाहिए, जो हमारा एरे है इंडेक्स एरे, मान लो अगर एरे हमारा जो मान लो आई, देखो ये है 0 है, ये 8 है, अगर इससे छोटा होगा तभी लूप काम करेगा, लेस देन होगा, आई से लेस देन अगर साइज होगा तभी ये काम करेगा, ठीक। आई तो इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे, आई प्लस प्लस, ब्रेसेस ओपन करेंगे, तो यहाँ चेक करेंगे इफ़, वही बात होगी, वही चेक करेंगे कि इफ़ एरे इक्वल टू आइटम, आइटम है तो सक्सेसफुली, इफ़ एरे आई इक्वल टू आइटम रिटर्न आई, उसका इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स प्रिंट कर लेंगे, इंडेक्स प्रिंट कर लेंगे, ठीक, और नहीं तो रिटर्न -1, ठीक। अब रिटर्न आई, ये इंडेक्स प्रिंट कर लेंगे, ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक, और -1 का मतलब होता है, अनसक्सेसफुल, हमारा एलिमेंट
नहीं मिला, अगर ये मैच नहीं करा तो हमको एलिमेंट नहीं मिला, हमारा एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ, नहीं फाउंड हुआ। अगर रिटर्न आई आर करेंगे, अगर जो हमारा एरे में अगर आइटम मैच कर जाता है तो रिटर्न आई मतलब हम उसका इंडेक्स नंबर प्रिंट कर लेंगे, इंडेक्स नंबर प्रिंट कर लेंगे, ठीक। तो मतलब हमारा जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हमको फाउंड हो गया है, ठीक। तो बस लीनियर सर्च में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च।